वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माइंड। आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। जो इस पर लिखा गया है उस पर ध्यान मत दीजिए, पर जो हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्या है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको 12 में पढ़ना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें पढ़ना है फर्स्ट में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या हमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन को यह पढ़ना है दूसरा क्रम में। और तीसरा में क्या पढ़ना है, थर्ड नंबर पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटर में आपको तीन ही पढ़ना है इंटीग्रेशन का, जो मेथड है इंटीग्रेशन का मेथड है, ठीक है। देखिए मैं क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो हमको अभी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, बाय पार्ट्स का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये तीन मेथड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान के ये जो एक पॉइंट हो गया, बी भी और उधर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट पर कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉडी है, और इसको क्या करना, क्या करेंगे बी पॉइंट पर देंगे, और बॉडी बी पॉइंट पे आ गया, तो हम क्या बोले, इस बॉडी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए बी पॉइंट पे, ठीक है। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये देखना है हमको, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या होता है, देखिए ऊपर जो लिखा गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देख सकते हैं ऊपर लिखा गया, ये थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज द इंटीग्रल ऑफ f(x) dx बी चेंज टू t बाय पुटिंग x इक्वल टू phi of t वेयर phi t पोजीशन कंटीन्यूअस डेरिवेटिव phi dash t, देन इंटीग्रल ऑफ f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f of phi of t phi dash t dt, ठीक है। देखिए लिखा गया यहाँ पे, जो लिखा गया जो x देख रहे हैं ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसमें, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको हम लोग क्या है चेंज कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल में, जैसे यहाँ पर x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, टी में। ये चेंज कैसे होगा टी में, तो हम लोग क्या करेंगे, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम क्या पुट कर देंगे, जो x है फाइव टू पुट कर देंगे, जैसे x इज अ फंक्शन ऑफ t, जैसे देख सकते हैं ये आपको दिया गया इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो x देख रहे हैं ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो देख रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देंगे लोग टी में, ठीक है, टी में। तो टी में कैसे चेंज करेंगे लोग, हम लोग x जो x देख रहे हैं इसको x को हम लोग पुट कर देंगे लोग phi of t, ठीक है, x इक्वल टू phi of t, phi of t, ठीक है। यहाँ देख सकते लिखा गया, और देखिए जो ये phi t है जो फंक्शन है, ठीक है, phi t मतलब ये फंक्शन है t का, ठीक है। और phi t के पास क्या होगा, एक कंटिन्यूअस डेरिवेटिव होगा, कौन, phi dash t, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव होगा phi dash t, जिसे आपको पता है कि डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कोई मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, कोई फंक्शन है, ठीक है, कितना होगा एफ एक्स का, हम लोग क्या करते हैं एफ डैश से हटते हैं, मतलब इस पर कितना है वन बार डैश है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, तो कितना होगा टू एक्स होगा, चूंकि एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो कितना एफ डैश एक्स बोलते हैं ना, तो इसी को बोलेंगे फाइव ऑफ टी के पास एक क्या होगा कंटिन्यूअस डेरिवेटिव होगा फाइव डैश टी। हम लोग को प्रूव क्या करना है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फाइव ऑफ टी फाइव डैश टी डी टी, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे लोग एक छोटा सा थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ, इसके लिए हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे लोग आई इक्वल टू क्या ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये ले लीजिए कंसीडर कर लिए। तो अब इसको चेंज करेंगे लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को, जैसे एक्स को क्या बोले पुट्टी कर दीजिए x इक्वल टू फाइव ऑफ टी, एक्स इक्वल टू
थाई ऑफ डी, ठीक है। तो यहां से क्या कीजिए आप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग 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 बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट डब्ल्यू आर टी, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन है किसमें, टी में, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, जो एक्स है और टी का फंक्शन है, ठीक है। इसको टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, डी एक्स बाई डी टी, और जब फाई टी है इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, होगा फाई डैश टी हो जाएगा, फाई डैश टी, ठीक है। तब यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब x यानी dx किसके इक्वल होगा, dx के ऊपर इक्वल करेंगे तो कितना होगा, phi dash t dt, ये dx इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब देखिए हम किसको चेंज कर रहे हैं, x को, यानी हम ऐसा प्रोसेस करेंगे कि हमको x हट जाए और t आ जाए, ठीक है। देखिए इसीलिए i आपको कितना है, i कितना है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ, एफ तो रहेगा, अब एक्स, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, एक्स कितना है देख सकते हैं, एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ टी, तो यहाँ पर पुट कीजिए फाइव ऑफ टी, ठीक है। यहाँ अब डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स किसके इक्वल रहेगा, फाइव डैश टी डी टी, फाइव डैश टी डी टी, ये देख सकते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया। यही ला एक छोटा सा थ्योरम था, देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्या कर, देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर x था ना, अब x को लो चेंज कर दे लो किसी और वेरिएबल में, यानी t में चेंज कर दे लो, देख सकते हैं यहाँ पर कितना है t है, इसमें कितना है t है, इसमें कितना है dt है, यानी x को रिप्लेस कर दे लो t से, देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है सब चीज छोटे मेथड, इस पर क्या करेंगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे लोग, देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या है कि ले लेते हैं लोग आई इक्वल टू, क्या मान लेते हैं लोग आई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए एक बात और, अब उस वेरिएबल को चेंज कीजिए, इसमें कितना एक्स भी वेरिएबल है, यहाँ पे क्या एक्स ही है, ठीक है, यहाँ पे लिखिए एक्स, यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों को टी मानते हैं, जैसे एक्स को हम लोग रिप्लेस करते टी से, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया x इक्वल टू टी, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर। अब दोनों डेरिवेटिव कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे लोग वेरिएबल को चेंज करेंगे किसी और वेरिएबल में, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को हम लोग चेंज करते हैं टी में, ठीक है। यहाँ पर इसको टी के रिस्पेक्ट में कीजिए डिफरेंशिएट कितना होगा, डी एक्स बाई डी टी, ये टी है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होगा, वन हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, ये कितना 2x होगा और dx by dt होगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ से देख सकते हैं 2x और dx पे इक्वल कीजिएगा तो कितना होगा, dt होगा, ठीक है, dt होगा। अब यहाँ से x और dx पे आप इक्वल कीजिएगा कितना होगा, 1 by 2 dt होगा, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं यह कितना होगा, dx इक्वल टू dt, देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं। आप दोनों में आप किसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा कि आपको फायदा हो, कहने का मतलब है आप उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका डेरिवेटिव करने पर आपको कुछ फायदा मिले, यानी आप उस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका डेरिवेटिव इस इंटीग्रल में दिया हो, जैसे 2x का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, और dx / dt देख सकते हैं 2x dx / dt = 1, तो यहां से x dx आएगा तो 1 / 2 dt आएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना है, x आया कि नहीं आएगा, x आ गया, लेकिन इसमें है कहीं x, ये तो dx है लेकिन x नहीं है, यानी देखिए सब्स्टिट्यूशन इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि जो इंटीग्रल दिया हुआ आपको रहेगा वो क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है जैसे इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर कीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बाद सीधा कॉस एक्स डी एक्स कीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे लोग इसलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रल मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, करेंगे सोल्यूशन जो आपको गिवन है वो लिखेगा, गिवन आई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है,
तो यहाँ से कीजिएगा पुट एक्स स्क्वायर को आप टी मानिए, पुट कीजिए, सॉरी मानिए पुट कीजिए एक्स स्क्वायर को टी, और इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए कितना होगा 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ देख सकते हैं यहाँ यहाँ भी किए थे हम, ठीक है, यहाँ से x dx 1/2 dt आया कि नहीं आएगा। अब देखिए x और dx मीनिंग कितना होगा 1/2 dt, और cos x स्क्वायर कितना आ जाएगा t, ये t हो जाएगा, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी अब x इक्वल टू t को पुट करेंगे, ठीक है, पुट कीजिएगा तो dx आएगा, dx को आप यहाँ पर dt पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर dt पुट कीजिएगा तो अभी x बचा रहेगा, तो x तो आपको हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को आप टी मानिएगा, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधे कीजिए 2x, मान लीजिए 2x आएगा x के रिस्पेक्ट में 2x, ठीक है। अब देख सकते हैं अब जो इसमें x दिख रहा है इसमें x है कि नहीं है, इसलिए आप एक्स स्क्वायर को टी मानिए तो बेहतर अच्छा रहेगा, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसीलिए आई इक्वल टू कितना है, आई इक्वल टू आपको दिया है cos x स्क्वायर dx, ये तो दिया गिवन है। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ अब x dx मिल के क्या जाएगा 1/2 dt, ठीक है, चलिए इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं, इसको cos x स्क्वायर x dx लिख लिया अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर cos तो cos रहेगा, अब x स्क्वायर किसके इक्वल था पुट के था t के, तो cos t होगा, अब x dx किसके इक्वल होगा 1/2 dt, देख सकते हैं 1/2 dt। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/2 है, इसको कांस्टेंट है तो बाहर लिए, बाहर निकाल लिए तो कितना बचा cos t, cos t dt। अब आप देख सकते हैं क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो आप आराम से क्या करते हैं इजीली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, कितना cos t dt, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए cos t dt, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 आएगा, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, चूंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो हम क्या प्लस c लगा देंगे, जो c होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो कितना आ जाएगा sin t बाई 2+c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा सेकेंड थ्योरम देख सकता है जो लिखा गया आपको, द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन हुज न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज लॉग मॉडुलस के अंदर कितना है डिनोमिनेटर, यानी लॉग मॉडुलस डिनोमिनेटर, कहने का मतलब है कि देखिए जो आपको एक फंक्शन का इंटीग्रल, द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, ये जो फंक्शन का इंटीग्रल देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है वो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, देख सकते हैं fx है, इस fx क्या है डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव किधर है न्यूमरेटर में दे चुका है, और dx इक्वल टू होता है log mod of fx plus c, देख सकते हैं log है कितना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है आपका fx है, तो यहाँ पे fx आ गया, ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है, तो लिखेंगे प्रूफ, ये छोटा छोटा थ्योरम है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर जो आपको दिया गया है, ठीक है, आई इक्वल टू क्या दिया गया है एफ डैश एक्स, यानी जो न्यूमरेटर है वो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं लोग किसको एफ एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए इसको डेरिवेटिव कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, कितना होगा ये होगा एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी टी, और टी के रिस्पेक्ट टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, यहां से क्या आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा डी टी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है इसीलिए लिखिएगा आई इक्वल टू कितना है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स, यह तो आपको पता है, देखिए एक किसके इक्वल होगा, देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल है एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल डी टी का, तो डी टी अपॉन एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया था टी लिया था ना टी,
इसको आप ये भी लिख सकते हैं वन बाई टी डी टी, बात एक ही है, ठीक है। तो वन बाई टी का इंटरसेक्शन कितना होता है लॉग ऑफ फॉर्म में, लॉग मोड ऑन द टी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं लॉग और मोड का होता है टी, टी कितना आप पुट किया था एफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, यह आपका प्रूव हो गया, ठीक है। जैसा कि आई इक्वल टू यहाँ पर एक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई आई नीचे लीजिए टेन एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे लोग, सोल्यूशन लिख के लिखेगा जो आपको दिया है लिख लीजिएगा, आई इक्वल टू कितना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स, ये तो आपको पता है, देखिए तो यहाँ से क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा किसको टेन एक्स को, टेन एक्स इक्वल टू अब टी पुट कीजिएगा, तो क्या होगा, अब टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा टी के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी, और टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी टी आ गया, ठीक है, डी टी आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आई इक्वल टू कितना है, इसलिए आई इक्वल टू जो दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स, ये तो आपको पता है। तो देखिए अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल डी टी के इक्वल, तो ये रहा डी टी के इक्वल, ठीक है, डी टी के इक्वल हो गया। अब देखिए टेन एक्स को आप क्या पुट किया था टी लिख पुट किया था, तो टी आ गया। अब इसको आप ये लिख सकते हैं वन बाई टी डी टी, ठीक है। तो लॉग ऑफ फॉर्म कितना होगा वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मोर टी प्लस सी, यहाँ पर लॉग लॉग होगा और टी किसको माना था टेन एक्स को, तो मोड टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर बात किया जाए, देखिए आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर दे चुका है, सीधे आप आंसर में क्या लिखिए लॉग लिखिए, और जो डिनोमिनेटर में है टेन एक्स, तो टेन एक्स को उठाने का कीजिएगा मोड के अंदर फूट कीजिए, देख सकते हैं लॉग मोड मोड के अंदर है टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। थ्योरम जो है लिखा गया ना, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन रेज टू एन इंडेक्स अदर देन माइनस वन एंड इट्स डेरिवेटिव इज ऑब्टेंड बाय इंक्रीजिंग द इंडेक्स ऑफ द फंक्शन बाय वन एंड डिवाइडिंग बाय द न्यू इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, डिग्री बोलिए इंडेक्स की या पावर बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहा गया जो एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव कितना होगा एफ एक्स होगा, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन एफ एक्स है उसका जो इंडेक्स है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा गया कि अदर देन माइनस वन यानी माइनस वन नहीं होना चाहिए एफ एक्स का पावर एन। जो एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव कितना एफ एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, अगर यह इस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, तो नया एक इंडेक्स बनेगा फंक्शन के ऊपर फंक्शन पे, ठीक है। देखिए एफ एक्स अगर फंक्शन है इसका इंक्रीजिंग कर रहा है कितना बाई वन से, यहाँ पर लिखेगा बाय इंक्रीजिंग द इंडेक्स ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन का इंडेक्स वन से इंक्रीज कर रहा है, एफ एक्स है इसका पावर कितना एन है, इंक्रीज कितना करेगा प्लस वन, यानी वन से इंक्रीज कर रहा है, तो एन प्लस वन हो गया। देखिए जो एन प्लस वन क्या है इंडेक्स है, तो उसी न्यू इंडेक्स से हम लोग क्या करें डिवाइड करेंगे, यानी एन प्लस वन ऊपर है तो एन प्लस वन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और प्लस सी लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एन इक्वल टू माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माइनस वन अगर पुट कीजिएगा यहाँ पर तो ये डिनोमिनेटर में जीरो आएगा क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग प्रूव करेंगे लोग। देखिए प्रूव करेंगे लोग, हम लोग जो आई दिया गया है कंसीडर करते हैं, कंसीडर आई इक्वल टू कितना है एफ एक्स फंक्शन है, इसका इंडेक्स कितना एन है, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव एफ एक्स और दोनों का प्रोडक्ट डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग लेके चलेंगे, यह प्रूफ करना है, ठीक है।
देखिए, और हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स जो फंक्शन एफ एक्स, इसको हम लोग पुट करते हैं एफ एक्स, एफ एक्स को हम लोग क्या किए लोग टी पुट कर लेते हैं, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट कर लिए टी, एफ एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए टी से। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, कितना होगा एफ डैश एक्स, ठीक है। देखिए अब की जगह डी बाई जो एफ एक्स है, ये फंक्शन किस में एक्स में, तो डेरिवेटिव होगा एक्स में, और फिर डी एक्स को ऊपर लाएंगे और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर चार लगाएंगे इक्वल टू टी को, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना होगा वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आएगा एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और ये डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वन। यहाँ से आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा डी टी आएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी, यानी उसको आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिए जिसका डेरिवेटिव हमको इंटीग्रल में मिल जाए, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, देख सकते हैं एफ डैश एक्स है ही है, मिल गया, इसलिए हम एफ एक्स को टी मानेंगे, ठीक है, पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं अब आई, इसीलिए देयर फॉर आई इक्वल टू क्या दिया गया है, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर एन है ना, उसका डेरिवेटिव कितना एफ डैश एक्स डी एक्स, अब इस पर इक्वल करेंगे लोग, अब देख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का क्या पुट किया था टी पुट किया था लोग, तो यहाँ पर टी पुट कीजिए, और एफ एक्स का पावर एन है एन, तो कितना लगेगा टी का पावर एन लगेगा, टी का पावर एन, अब देख सकते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा डी टी के इक्वल, डी टी के इक्वल। अब यहाँ से जानते हैं आप फार्मूला जानते हैं एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या टी के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है, यहाँ से टी, अब टी की टी को रिप्लेस कीजिएगा, अब टी किसके इक्वल होगा एफ एक्स, टी किसके इक्वल होगा एफ एक्स इक्वल, यहाँ पुट कीजिए एफ एक्स हो गया, अब इसका पावर कितना हो जाएगा एन प्लस वन, चूंकि टी को मैंने रिप्लेस किया एफ एक्स से, ठीक है, नीचे कितना जाएगा एन प्लस वन प्लस सी, देख सकते हैं आपका यह आ गया प्रूफ, ठीक है, यह आपका प्रूफ हो गया। हम लोग क्या करते हैं इस पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे एक, देखिए एग्जाम्पल ले लिए हम, इसको मिटा दिया था, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे इंटीग्रल ऑफ, जैसे आई ले लिए इंटीग्रल ऑफ, जैसे ले लिए टेन एक्स का पावर कितना एन ले लिए, टेन एक्स का पावर एन, एन इंटू में क्या ले लिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब देख सकते हैं टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, किसमें आप किसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा टेन कीजिए टेन एक्स को, क्योंकि टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो डेरिवेटिव कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें दिया गया है, ठीक है, देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन डेट चाहे लिख दीजिए सीधे लिखिए आई, अच्छा रहेगा अच्छा से लिख लेते हैं गिवन डेट कितना आई इक्वल टू कितना है इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स टू द पावर एन इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं लोग पुट टेन एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं, अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टी, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में ये कितना होगा डी बाई, ठीक है, टेन एक्स है जो टेन है वो एक्स में है, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में डेरिवेटिव होता है तो डोमेन कितना है एक्स,
किसमें एक्स में, करना किसके रिस्पेक्ट में टी के, तो क्या रूल बनेगा, अभी डी एक्स को उठाकर यहाँ लाएंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी को टी के रिस्पेक्ट में वन, ये टी है टी को टी के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी में वन, तो यहाँ से स्क्वायर बाई कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वन, यहाँ से क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, ठीक है यहाँ से। अब यहाँ पर जो इसीलिए आई इक्वल टू कितना होगा टेन एक्स का पावर कितना है एन है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ से देख सकते हैं टेन एक्स को आप क्या पुट कर सकते थे टी, तो टेन एक्स का पावर एन है तो टी का पावर कितना लगे है, अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के इक्वल देख सकते हैं, तो यहाँ से क्या लगा कितना होता है टी का पावर, इसका इंटीग्रल कितना लग रहा है टी के पावर एन प्लस वन, चूंकि एन जो है वन से आप इंक्रीज कर दीजिए इसके इंडेक्स को, इंडेक्स कितना है एन है, टेन प्लस वन होगा जो एन प्लस वन आपका इंडेक्स बना ऊपर उसी से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है प्लस टी। अब यहाँ पर टी किसको रिप्लेस कीजिएगा टेन एक्स को, तो कितना है टेन एक्स आएगा उसका पावर एन प्लस वन आएगा अपॉन एन प्लस वन आएगा, ठीक है एन प्लस वन आएगा प्लस सी, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है।